माँ भगवती अखंड जागरण समिति के सहयोग से नव दुर्गा पूजा पंडाल में श्री सेवा फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया, जिसके संस्थापक देवी प्रसाद त्रिवेदी, अध्यक्ष जय शंकर श्रीवास्तव, महामंत्री डॉक्टर महावीर मौर्य सहित अन्य लोगों ने नींव डालकर संगठन को मजबूती दे रहे हैं। जिसके शुभारंभ पर संगठन के संरक्षक व मुख्य अतिथि शैलेंद्र अग्निहोत्री ने फाउंडेशन का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं से अग्निहोत्री ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोगों ने समाज में सेवा भाव के लिए संगठन तैयार किया है, जिसकी संरक्षक की भूमिका हमको दी गई है। मैं इस जिम्मेदारी व समाज के लिए सदैव समर्पित रहूंगा और मेरी शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से मुझसे मदद हो पाएगी, मैं समाज के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम के दौरान डलमो कोतवाली प्रभारी पंकज तिवारी व गुरुवारा चौकी इंचार्ज नितिन मलिक एवं महिला सिपाहियों के द्वारा मिशन शक्ति के तहत भारी भीड़ को जागरूक किया गया। वहीं गुरुवारा चौकी इंचार्ज नितिन मलिक व महिला आरक्षी के द्वारा भारी भीड़ को मिशन शक्ति के तहत गुड टच व बैड टच के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं से संबंधित अपराध की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान जय मां गंगे म्यूजिकल के कलाकारों के द्वारा जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी कार्यकर्ता रहे सेवा फाउंडेशन के मंत्री मोहनलाल मौर्य, डॉक्टर सुधीर मौर्य, उपाध्यक्ष अरुण पांडे, संयोजक राजेंद्र श्रीवास्तव, कांग्रेस नेत्री रेणु सिंह, विमलेश कुमारी सिपाही, सौरभ मिश्रा, आलोक कुमार, सनी कुमार, योगेश कुमार, अनुज मिश्रा तथा महिला आरक्षी एवं पत्रकार ओम द्विवेदी, मेराज अली, हर्षित शुक्ला को अंग्रवस्त्र व माला पहनाकर भव्य तरह से स्वागत किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही है।